स्वागत है ब्रेक के बाद बढ़ेंगे खबर की ओर। नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के मुढ़ाड़ी गांव में बच्चों के बीच शुरू हुए विवाद के कारण दो गुटों में आपस भिड़ गए, जिसमें गोली लगने से एक व्यक्ति जख्मी हो गया, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। लड़ाई हुआ, बाल बच्चा से जा रहा था साइकिल लेके, वो रगड़ते चल गया। उसको समझाया, मैं पूर्ण मिल के पूरा कहार मिल के मैंने उलझ गया, मार रहे रोड़ा चला था। हम हरनौत थाना को रिपोर्ट दिए, हरनौत थाना से प्रशासन पहुंचा, लौटा ही नहीं, गाँव में थे। ये जो था, समझाया उसको कि लड़ाई झगड़ा नहीं करो, पिस्तौल बंद करो, तभी गोली मार दिया। गुमला में डैम में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना घाघरा थाना क्षेत्र के देवाकी ग्राम की है। मृतक की पहचान 60 वर्षीय विश्राम उड़ाव के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि मृतक अपने भतीजे के साथ डैम में मछली मारने गया था, इस दौरान डैम के अंदर घास में वो फंस गया। शेखपुरा में ठनका गिरने से महिला की मौत हो गई। घटना घाटको सुम्भा प्रखंड क्षेत्र के अकरपुर गांव की है। जानकारी के मुताबिक मृतका अपने खेत में काम कर रही थी, तभी अचानक वज्रपात हुई और वो उसकी चपेट में आ गए। घायल महिला को पीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सहरसा जिले के बनमा इटहरी प्रखंड का सोहरिया पंचायत में सरकार की कई योजनाओं का लाभ अब तक ग्रामीणों को नहीं मिला है, जिसे लेकर मुखिया मंजूदल हसन पर स्थानीय नेताओं ने योजनाओं के करोड़ों रुपए के गबन करने का आरोप लगाया था। हालांकि मुखिया ने लगे आरोप को बेबुनियाद बताते हुए नेताओं पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत में विकास का काम चल रहा है, यही नहीं, उन्होंने अधिकारियों को पंचायत में आकर तमाम योजनाओं की जांच करने की बात भी कही है। बरवाडी मोदी नगर मुख्य सड़क पर सीआरपीएफ कैंप के पास मोटरसाइकिल और बोलेरो की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में इलाज के लिए पुलिस ने स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 3 लोगों की गंभीर हालत बनी हुई है। लातेहार जिले के छिपा दोहर थाना क्षेत्र के मुंडू में टेम्पो और ट्रैक्टर में सीधी टक्कर होने से टेम्पो चालक और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। घटना के संबंध में घायल टेम्पो चालक ने बताया कि वे अपनी लेन में टेम्पो चला रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। खगड़िया में उल्फा द्वारा राम कुमार की रिहाई के बाद अलौली विधायक ने उनसे मिलकर बधाई दी। इस दौरान राम कुमार ने सभी के योगदान पर आभार भी प्रकट किया। गौरतलब है कि विधायक ने विधानसभा में भी राम कुमार को मुक्त कराने की मांग की थी। आपको बता दें कि रेडियो ऑपरेटर राम कुमार अरुणाचल प्रदेश के किप्पो ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते थे। उन्हें नागालैंड में उग्रवादी संगठन उल्फा के उग्रवादियों ने करीब 3 महीने पूर्व अगवा कर लिया था, बाद में उन्हें सोमवार को छोड़ दिया गया। 28 वर्षीय राम कुमार अलौली थाना क्षेत्र के बहादुरपुर के रहने वाले हैं। घर आया हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं घर आया हूँ। अभी भी लगता है कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मैं जंगल में हूँ, लेकिन अभी आ गया हूँ सच में, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं अपने माता जी पिताजी से मिला, परिवार से मिला, बच्चों से मिला, मैं बहुत खुश हूँ। और जो प्रयास ने हमारे अलौली प्रखंड के MLA साहब किए हैं, विधायक साहब किए हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, और इसके लिए मैं और मेरा परिवार जीवन भर इनका शुक्रगुजार। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।